बस स्टैंड आरा में दरभंगा की बेटी ज्योति कुमारी की हत्या व अररिया बलात्कार पीड़िता को जेल भेजने के खिलाफ आयशा बिहार के राज्यव्यापी प्रतिरोध के तहत छात्र संगठन आयशा ने आयशा जिला अध्यक्ष पप्पू कुमार के नेतृत्व में प्रतिरोध मार्च निकालकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। प्रतिरोध मार्च के समर्थन में आए भाकपा माले के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी राजू यादव ने कहा, दरभंगा जिला प्रशासन ने ज्योति की हत्या को करंट लगने से हत्या बताती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी करंट लगने तथा दम घुटने से मौत की जिक्र है, जबकि ज्योति के परिवार वालों ने बताया कि ज्योति की हत्या बलात्कार करके हुई है, क्योंकि जिस दिन हत्या हुई उस दिन गांव में बिजली नहीं थी और एक दिन पहले ट्रांसफार्मर ही लगा था और ट्रांसफार्मर को चार्ज होने में 36 घंटा का समय लगता है, इसलिए घटना के दिन पूरे गांव में बिजली नहीं थी तो फिर करंट से हत्या कैसे। अभी तक इस घटना के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं अररिया में 6 जुलाई को एक 22 साल की महिला के साथ गैंगरेप हुआ था, जिसकी प्राथमिकी 7 जुलाई को ही थाने में की गई, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने गई महिला को ही दो सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ उल्टा ही मुकदमा चलाकर गिरफ्तार कर लिया। आयशा राज्य सचिव सबीर ने कहा कि उक्त दोनों घटनाओं में अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। भाजपा समर्थित जदयू सरकार में रोज बलात्कार और हत्याएं हो रही हैं और अपराधी बेलगाम होकर घूम रहे हैं। एक तरफ एनडीए सरकार बेटी बचाओ का नारा देती है और दूसरी तरफ हत्यारों और बलात्कारियों को बचा रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द ज्योति को हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और अररिया गैंगरेप पीड़ित सहित सामाजिक कार्यकर्ता को रिहा कर आरोपियों को सजा दिया जाए। मौके पर आयशा के जिला सचिव सुशील यादव, इंसाफ मंच के जिला सचिव गांधी जी, विकी कुमार, सुमित कुमार, बबलू कुमार, सुशील पाल, विष्णु ठाकुर, नंद जी लोग शामिल हैं।